गई 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 मेरी चंपा कली। तो गाइस अभी हो गया है हमारा लंच टाइम और देखो आज मंगाए छोले पराठे और क्या क्या है। हल्दी की सब्जी। पानी भर रहा है पूरा। ओ तेरी पानी भाई, भैंस की टांग कितना पानी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी सुबह सुबह देखो बारिश हल्की सी बंद हो रखी थी, मतलब चालू थी, बंद हो गई बारिश। और मौसम देखो यार पूरा आज भी गाइस बारिश होगी। और दिल्ली के अंदर आपको पता है दिल्ली के अंदर तो ज़्यादा ही बारिश होती है। तो मैं फ़िलहाल रेडी हो गया हूँ, तैयार एकदम जाने के लिए ऑफिस। और आज मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं गाइस। तो आप गाइस व्लॉग में एंड तक बने रहना क्योंकि आज थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला व्लॉग हो सकता है गाइस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी को लेके, थोड़ा सा मुझे काम है मार्केट के अंदर। तो बारिश ना हो, ये बारिश हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, इसलिए मैं आज गाड़ी लेके जा रहा हूं। तो गाइस व्लॉग में एंड तक बने रहना। चलिए गाइस मिलते हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस फाइनली आ गया मैं अपनी कार के पास और यहाँ पर गाइस पूरा देखो पानी भर रखा है क्योंकि बारिश यार रात भर पड़ रही है और लाइट नहीं आई फिर भी रात भर पूरे। ये खड़ी अपनी टाटा नैनो और देखो पूरे पानी की वजह से पूरा वजन हो गया इस पर। तो अभी कवर निकालेंगे। आए हाय कितनी बुरी हालत हो रखी है मेरी गड्डी की, देखो वाह हालत तो यार एकदम ख़राब हो रखी है गाड़ी की। आए हाय पूरी यार भीगी पड़ी है और ये गंदी भी हो रखी है। किसी दिन यार इसे धुलवाने को भी यार मैं लेके नहीं जा सकता इसे, क्योंकि धुलवाऊँगा फिर ये ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए धुलवा भी नहीं रहा मैं इस कार को। तो मैं अभी इसका कवर निकाल देता हूँ और चलते हैं गाइस। तो मैंने सारा कुछ एकदम रेडी कर दिया। अब देखो पूरा पानी भाई कीचड़ भरी पड़ी है पूरी, तो कार फिसलेगी गाइस। तो जैसे तैसे करके भाई निकाल लेता हूँ इसको और लेके निकलता हूँ यहाँ से। तो ये देखो पूरा भाई पानी पानी भर रखा है। चलो मेरी धन्नो, चलो मेरी धन्नो, चलो मेरी। और इसको मैं मेट्रो पे खड़ी कर दूंगा वहाँ से आते टाइम, क्योंकि अभी इसे दिल्ली में लेकर जाऊंगा, वहाँ पार्किंग का इशू, ऊपर से इतने का इतने पैसे मिलते नहीं हैं, इतने का हो जाएगा गाड़ी का किराया और परेशान हो जाएंगे यार दिल्ली में जाते जाते पूरा। तो इसलिए मैं इसे मेट्रो पे खड़ी कर दूंगा। और ये लो भाई इधर उधर झूठ भैंस की टांग, पूरा सामान भाई गिर गया। ये देखो पूरा सामान गिर गया, इतना गड्ढा था मुझे तो दिखा ही नहीं यार पूरा। देखो सामान भैंस की टांग, मेरा पूरा सामान गिर गया यार। वाह मेरे चश्मे उसमें सारे गिर गए। ओ ये तो वॉच यार टूट गई यार, इसका एप्पल का लोगो टूट गया यार इस वॉच का। कितनी अच्छी वाली थी यार ये वॉच, मेरी फेवरेट थी। इसको यार इधर रख दे। तो सुबह सुबह यार नुकसान हो गया मेरी वॉच का यार, बहुत अच्छी थी यार ये वॉच। अब दुख मना के यार क्या ही हो सकता है। चलो गाइस मैं चलता हूँ यार, दुख मना के यार कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी गाइस डलवा रहा हूँ मैं पेट्रोल, डलवाया मैंने अभी। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, पेट्रोल डलवा लिया है और निकलता हूँ। पेट्रोल डलवा के तो मैं निकल गया हूँ गाइस यहाँ से, और मुझे रूट थोड़ा चेंज करना है क्योंकि अगर मैं जाऊँगा मथुरा रोड से तो कल भाई देखा था मैंने वहाँ पे पूरा जाम लगा रखा था, क्योंकि एक जगह पे पानी भर जाता है वहाँ पे पूरा और फिर उसकी वजह से पूरा फ्लाईओवर जाम और बहुत तगड़ा लंबा जाम लग जाता है। इसलिए मैं आज बाईपास से निकलूँगा और गाड़ी को इधर बाईपास वाले किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़ी करूँगा ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा तो परेशानी होगी। तो इधर वाली पार्किंग कोई मिल जाए बाईपास की, वहीं पर खड़ी करता हूँ मैं। और अभी मैं 17 के इधर आस पास पहुँच गया, 17 का एक कट है रेड लाइट। और यार यहाँ पे इन्होंने कचरा को बना दिया, इतना बेकार बदबू आती है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं इधर से जाऊँगा, देखो पानी आपको दिखाऊँ भाई कितना पानी भर रखा है यहाँ पे। मैं पानी देखो भैंस की टांग कितना पानी है,
घुटने घुटने तक पानी भर रहा है यहाँ पे, घुटने घुटने तक भाई। चल चल चल, कहीं बंद ना हो जाए, पानी भर जाए कहीं अंदर। तो पानी यार यहाँ पे बहुत ज्यादा भर रहा है, क्योंकि यार एक ही रीजन है यहाँ पे। देखो अभी तक इतना टाइम हो गया तोड़ने के लिए, रोड को सबसे पहले तैयार हो जाएंगे, और जब बनाने के टाइम आएगा तो बनाएंगे नहीं। अभी तक नाले तक नहीं बने ढंग से यहाँ पे, बस पता नहीं क्या करते रहते हैं यार हमारे यहाँ पे ना, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। बिना पानी देखो कितना भर रहा है, दोनों साइड भर रहा है रोड के, कुछ पता नहीं कहीं से सीवर वीवर में भी गिर सकते हैं। पानी भाई, भैंस की टांग कितना पानी है भाई साहब। यहाँ तो यार पूरी डूब रही है भाई गड्डी, ये देखो कितने डूब डूब के आ रहे हैं, और मेरे कंट्रोल में नहीं है गड्डी भाई। मुझे ज़्यादा रेस दे के रखनी पड़ेगी, कहीं दिक्कत ना आ जाए उसके सैलेंसर में, पानी तो नहीं भर जाए यार भाई। इधर पूरा भाई 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 पानी भर रहा है पूरा उत्तरी। फाइनली मैं आ गया हूँ पार्किंग में, NHPC के पार्किंग में हूँ मैं अभी, और यहीं से अपनी गड्डी को ये लो एक बार लॉक कर देता हूँ चारों साइड से। तो ये निकल गए भाई बाहर भैंस की टांग। तो यहाँ पे भाई गड्डी खड़ी कर दी मैंने NHPC की पार्किंग में, यहाँ पे सही है इधर से, क्योंकि इधर की साइड है, यहीं से निकल जाऊँगा मैं। और ये खड़ी है अपनी यहाँ पे टाटा नैनो, कितनी अच्छी लग रही है। तो इधर ही पार्किंग से ले लेते हैं भाई टिकट। तो इधर यहाँ पे ऑफिस भी है फ्लिपकार्ट वालों का, निकाल दो भाई पर्ची। तो ये है गाइस पर्ची मेरी 24/06, ठीक है 30 रुपये हैं, अभी देना है तभी आने के बाद, ठीक है। तो चलो, तो ये ले लिया गाइस पर्ची, और मैं, ओ भाई यहाँ तो भाई पानी भर रहा है, मैं निकलूँगा कहाँ से मेट्रो के लिए। भैंस की टांग। तो ये आ गया अभी मेट्रो के अंदर मैं, अब यहाँ से स्टेयर से लेके और निकलता हूँ ऑफिस के लिए। भाई कितनी अच्छी हवा लगती है जैसे मेट्रो में चढ़ते हैं ऊपर, क्योंकि हवा चलती रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखो टिकट के लिए यहाँ से नहीं है, मुझे उधर जाना पड़ेगा घूम के, तो उधर की साइड मिलेगी टिकट। ये आ गया, तो इधर ही टिकट काउंटर है, तो इधर से जाना है टिकट के लिए। तो जैसे ही ऊपर आया भाई निकल गई मेट्रो, वाओ गई 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 मेरी चंपा। तो वही से अभी हो गया है हमारा लंच टाइम, और देखो आज मंगाए छोले पराठे, और क्या क्या है जी की सब्जी, ये है पनीर। तो आज वही खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा है, और अभी लंच करते हैं, वीडियो शूट करेंगे फिर। तो भाई यम्मी पराठे देखो, आज मैं लेके नहीं आया घर से, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगाया है। अभी टाइम बता दूँ मैं आपको, 5:45 हो गए हैं, थोड़ा जल्दी मैं आज मैं निकल गया ऑफिस से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, NIT मार्केट जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है, उस वजह से आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकलता हूँ ऑफिस से। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी है मेट्रो से, और वहाँ से निकलना है फिर गाइस, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आ गया मैं ऑफिस से, और अपने पार्किंग में आ गए अपनी टाटा नैनो, और मुझे लगा 30 रुपये, तो 6 घंटे के 30 रुपये, और भाई उससे ऊपर तो 50 रुपये की पार्किंग लगी है। ओ भाई चिपक गई, गेट चिपक गया। हाय कितनी गर्मी से निकल रही यार इसमें से। तो गाइज फाइनली हूँ मैं अपनी कार के अंदर, टाटा नैनो के अंदर, और गाइज अभी रात हो चुकी है, आपको दिखाऊँ गाइज, तो पूरा एकदम रात हो गई है, और मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। और बाप रे बाप, और मैंने अभी यार शीशा मिरर जो क्लीन करा था, क्योंकि पूरा ना ये एकदम गंदा हो गया था, दिख नहीं रहा था कुछ, तो मैंने अभी रोक के ये बस क्लीन करा था, और देखो कितना मस्त लग रहा है नहीं नज़ारा। तो बहुत दिनों बाद मैं नाइट आउट कर रहा हूँ, नाइट आउट करने में भी एक अलग ही मज़ा है गाइस, जब घूमते रहते हैं ना इधर उधर घूमने जाना, और चलते जाओ स्लो मोशन में, यानी
कम स्पीड में कार चलाओ तो उसके यार एक अलग ही मजे हैं बिल्कुल। तो स्लो मोशन में देखो अभी आपको दिखाऊं कार की स्पीड कितनी, 20-25 के समथिंग है। तो मुझे यार कम स्पीड में चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कम स्पीड में चलाने के अपने अलग ही मज़े आते हैं। और अभी अपने इधर ही पहुंच गया, बस यहाँ से 10-10-10-1 मिनट का रास्ता है बस मुश्किल से, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। और आज तो यार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं सांभर खा के आया हूँ, डोसा खाया है मैंने अभी, पनीर डोसा, तो मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का वैसे। तो देखते हैं अगर क्या बना होगा घर पे। और आज मैं खाना भी नहीं लेके आया था घर से, क्योंकि घर पे आज बना थे यार करेले, तो करेले मैं लेके नहीं आया, मैंने वहीं ऑफिस में आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे मंगवाए थे छोले और पराठे, तो मज़ा आ गया था गाइस। तो गाइस अभी सीन ये है, घर आ गया मैं, और यार आज लाइट आई थी अभी 7 बजे आई थी शाम को, तो कपड़े वगैरह यार मुझे अभी धुलने पड़ेंगे, मैं अभी धुलूंगा कपड़े, ये कुछ एक दो एक आध जोड़ी धुल लूँगा कपड़े, और क्योंकि मुझे पहनने के लिए नहीं है फिर कल ऑफिस जाने के लिए, तो कपड़े धुलने पड़ेंगे मुझे अभी। हाय, एक तो काम करके आओ, ट्रैवल करके आओ, कपड़े भी दो, संडे को यार लाइट नहीं थी ना तो इसलिए धुल नहीं पाए थे कपड़े वगैरह, इसलिए धुलने पड़ेंगे। कोई नहीं गाइस, चलो मैं कपड़े धुल लेता हूँ पहले और फिर खाना वाना खाएंगे। तो यही गाइस कुछ आज का व्लॉग, आई होप आपने इंजॉय किया हो तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना, इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।